वहीं रायगढ़ में आज से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत हो गई है। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में हर दिन अलग रंग देखने को मिलेंगे और देश विदेश से आए कलाकार अपनी प्रतिभा से श्री राम चरित्र का वर्णन करेंगे। कार्यक्रम में कई ऐसी चीजें भी हैं जो इसे भव्य बना रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राम धुन सुनने और सुनाने के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। रायगढ़ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंच को अरण्य कांड की थीम पर सजाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारम्भ किया। राष्ट्रीय महोत्सव रामायण महोत्सव के नाम हम देहन, लेकिन कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकार मन आए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रूप में रायगढ़ में कर आयोजन हो थे। विदेशी मेहमान मन के भी मंच के माध्यम से मैं स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में राम कथा अलग अलग रूप में दर्शकों को देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया और कंबोडिया में फैले राम कथा के अलग अलग रूपों की झलक दर्शकों को मिलेगी। रामायण महोत्सव के दौरान कला रूपों को देखना छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए कुछ अलग और खास होगा। इंडोनेशिया और कंबोडिया के रामायण दल का मंचन, दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रचलित रूपों की दिखेगी झलक। पहले दिन उत्तराखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रतियोगिता, दूसरे दिन झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, हिमाचल प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच प्रतियोगिता। महोत्सव के दौरान हर दिन सामूहिक हनुमान चालीसा, समापन पर मैथिली ठाकुर भजन संध्या, कुमार विश्वास का अपने अपने राम म्यूजिक नाइट। रामायण महोत्सव के बीच बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी का कहना है कि भगवान राम इस देश की आस्था के केंद्र हैं। मानने वाले श्रद्धा से माने तो कोई बात नहीं। देखिए, भगवान राम इस देश के आस्था और विश्वास के केंद्र हैं और भगवान राम के आराधना करने का, उनकी कथा में शामिल होने का ये सभी को अधिकार है और इसलिए रामायण महोत्सव हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, अच्छी बात है, पर भगवान राम को मानने वाले श्रद्धा और आस्था के साथ माने ये अच्छा रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में आज से राम धुन की गूंज सुनाई देने लगी है। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में कई रंग देखने को मिलेंगे। इस बीच सवाल ये है कि क्या ये महोत्सव चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।